नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी, पार्ट 9, हिम्मत। आज हमारा जो हिंदी में पाठ है वो हिम्मत, हिम्मत का अर्थ होता है साहस। भैया बहनों, यह एक कविता है, इसमें कहा गया है जिसको काम करने, यानी किसी भी काम को करने के लिए पहले ही जो हार मान लेते हैं वह अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं। इसलिए काम को जो व्यक्ति लगन से, मेहनत से, हिम्मत के साथ इस काम को करते हैं वही अपने कार्य में सफल होते हैं। और हमें एक दो तीन बार में ही अपने कार्य को समाप्त नहीं करना चाहिए। जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है, उसको साहसपूर्वक उस कार्य को करते रहना चाहिए। तो यही इस कविता का सार है। मैं आपको कविता पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे और इसको याद भी करेंगे। देखिए, लिखा है, कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे पांच लोग जो काम, फिर उनके करने में तुम ही क्यों नाकाम। हो न हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, ना बने एक बार मैं तो करिए सौ सौ बार। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। ठीक है, आगे देखेंगे। सुस्त निकम्बे जो होते हैं आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार हैं रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। जो जल में ना घुसे, जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल, सदा रहो खुशहाल। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस कविता को लिखा है। कितना सुंदर कविता लिखी है, इसका सार कितना अच्छा है। एक बार पुनः इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे पांच लोग जो काम, फिर उनके कहने में तुम ही क्यों नाकाम।
हो न हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, ना बने एक बार मैं तो करिए सौ सौ बार। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर न लाओ। सुस्त निकम्बे जो होते हैं आलस्य के सारे, आलस्य के मारे सुस्त निकम्बे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार हैं रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसे चलना कैसे, चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल, सदा रहो खुशहाल। प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से इस कविता को पहले पढ़ना सीखेंगे, उसके पश्चात इसको इसका भाव समझेंगे। देखिए मैं अब आपको इसका भावार्थ बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, संदर्भ में जो होता है पाठ का, तीन बातें इसमें मुख्य होती हैं। पुस्तक का नाम होता है, और इसमें फिर दूसरी बात क्या होती है, पाठ का नाम होता है। तीसरी बात इसमें मुख्य होती है, इस कविता को लिखा है किसने है, उसका नाम आता है, बालमुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। तो प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक वाटिका भाग पाँच, हमारी पुस्तक का नाम है वाटिका भाग पाँच। तो क्या लिखेंगे, संदर्भ के आगे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में आगे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वाटिका भाग पाँच नामक पुस्तक के, नामक पुस्तक के पाठ नौ हिम्मत नामक पाठ से, पाठ नौ हिम्मत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बालमुकुंद गुप्त जी हैं, इसके रचयिता कौन है, बालमुकुंद गुप्त जी हैं। ये संदर्भ, बालमुकुंद गुप्त जी इस कविता में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व यह सोचना चाहिए कि हमें यह कार्य अवश्य ही पूरा करना है। किन लोग या कैसे लोग कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से भी उन्होंने बताया है। तो किस प्रकार के लोग जो तैरना नहीं जानते, किस प्रकार के लोग जो चलना पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानते, तो ये भी उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमको समझाया है। अब देखिए इसका अर्थ, कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, कभी कह रहा है कि किसी भी कार्य को यह मत कहो कि हमसे यह कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार, यानी क्यों नहीं कर सकते हम, कभी कह रहा है
हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भैया बहनों, इस प्रकार से तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, जो कि एक तो वो पुरुष होते हैं जो कार्य को देखकर जो है पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के पुरुष वो होते हैं जो कार्य को करते तो हैं, लेकिन वह बीच में अगर कोई बाधा आ जाए तो उसको, उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। परंतु जो तीसरे प्रकार के पुरुष होते हैं, अर्थात उत्तम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो निडर होते हैं, जिनके अंदर लगन होती है, जिनके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, कुछ करने की क्षमता होती है, तो वो बार बार बाधाओं के आने पर भी दृढ़ विश्वास के साथ उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे पांच लोग जो काम, अगर वो पांच लोग उस कार्य को कर सकते हैं तो फिर उसके करने में तुम ही क्यों नाकाम, उस कार्य को करने में तुम नाकाम क्यों हो? अगला व्यक्ति जगह कर रहा है, काम को कर रहा है, तो क्यों मना कर रहे हैं? आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप जो मना कर रहे हैं? तो इसलिए हमें मना नहीं करना चाहिए, हिम्मत से काम लेने चाहिए। हो ना हो पर दीजिए हिम्मत, कभी ना हार, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ना बने एक बार तो करिए सौ सौ बार। एक बार अगर कार्य नहीं हो पा रहा है, दूसरी बार प्रयास करिए, तीसरी बार प्रयास करिए, चौथी बार प्रयास करिए, और बार बार प्रयास करने के पर वह कार्य आसान हो जाता है। कर नहीं सकते कहकर मुंह न फुलाओ, कर नहीं सकते कहकर मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर न लाओ। भैया बहनों, कविता में साफ साफ कह दिया है, यह कार्य मुझे नहीं हो सकता है, ऐसा कह करके अपने मुंह को फुलाओ मत, अर्थात मुंह को बिगाड़ो मत। और इतनी हल्की सी बात अपनी जुबान पर भी मत लाओ, ऐसा कवि का कहना है। सुस्त निकम्बे जो होते हैं आलस्य के मारे, ऐसे लोग कौन होते हैं? वो सुस्त होते हैं, वो आलसी होते हैं, निकम्बे होते हैं, ठीक है, जो ऐसी बातें करते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं यो समझो प्यारे। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो आलसी होते हैं, जो निकम्बे होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, वही जो है कार्य को ना करने की बात कहते हैं। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार है रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते? ऐसे जो विचार जो होते हैं वो वही लोग कहते हैं जो जिनके लक्षण अच्छे नहीं होते हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, ठीक। वही आगे कहते हैं जो जल में ना घुसे, ये बड़े महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसे चलना कैसे सिखावे, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। प्यारे भैया बहनों, कवि का कहना है कि जो व्यक्ति जल में नहीं घुसा कभी, तो उसको कभी तैरना
नहीं आ सकता है। दूसरों को देख करके उसके मन में आता है कि मैं भी तैरना सीखूं, लेकिन पानी में जाने से डरता है, नदी में जाने से डरता है। तो बताइए, जो नदी में जाने से डरेगा, क्या उसको तैरना आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो उसको पानी में जाना ही पड़ेगा। अगर तैरना सीखना हो तो उसको पानी में जाना ही पड़ेगा, अपना प्रयास करना ही पड़ेगा। आगे कहता है, जो गिरने से हिचके उसे चलना न कौन सिखावे। अब जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन से है, जिसको अगर चलना नहीं आता, अगर वो कहते कि मैं चल करके मैं गिर पड़ूंगा, मुझे चोट लग जाएगी, तो वो चलना नहीं सीख सकता है। जैसे एक साइकिल चलाने वाला दूसरों को देख करके साइकिल, उसके मन में आता है कि मैं भी साइकिल सीखूंगा, उसके मन में आता है कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाना सीख जाऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन अगर उसको साइकिल दे दी जाए कि अरे भैया अब चलाओ साइकिल, मैं कैसे चलाऊं, मैं तो गिर पड़ूंगा, मुझे तो चोट लग जाएगी, नहीं मैं जो है साइकिल पर नहीं बैठूंगा, या मैं साइकिल नहीं चला सकता हूं। जो गिरने से डरेगा, गिरने से हिचकेगा, चोट से डरेगा, तो वो है साइकिल नहीं चला सकता है। उसी प्रकार से जो गिरने से डरेगा वो जो है वह भी चलना नहीं सीख सकता। ठीक है, अब जल में उतर तैरना सीखो। तो जल में यानी तैरने के लिए तो जल में उतरना ही पड़ेगा, ठीक। और यानी चलना अगर सीखना है तो हमें दौड़ना तो पड़ेगा ही, हो सकता है कि एक आध दोबारा हम जो है गिर भी पड़े, लेकिन फिर उठ करके हमें दौड़ना पड़ेगा। जैसे बताया ना अभी मैंने, साइकिल अगर सीखनी है तो हमें साइकिल के ऊपर यह आपको चढ़ना ही पड़ेगा, हो सकता है कि हम दो चार बार जो है कि गिर भी पड़े, हमें चोट भी लग सकती है, ठीक है, हमें खरोंच भी आ सकती है, लेकिन हमको जो है बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम जो है उसको साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम बार बार जो है प्रयास करते हैं, नदी में उतरने का प्रयास करते हैं और उसको तैरने का अभ्यास करते हैं, दूसरों को देख देख करके कैसे यह पानी में हाथ को मार रहा है, पैरों को चला रहा है, हाथों को चला रहा है, इस प्रकार से डूबने से हमको नहीं डरना चाहिए। और जब हम दूसरों को देख करके हम भी उसी प्रकार का अभ्यास करेंगे तो हम भी सीख जाएंगे, तैरना सीख जाएंगे, उसी प्रकार से हम जो है दौड़ना सीखेंगे, उसी प्रकार से हम जो है चलना सीखेंगे। एक इसी से संबंधित, हिम्मत से संबंधित एक छोटी सी आपको मैं कहानी बता रहा हूँ कि बिहार में का एक आदमी होता है जो जिसका नाम दशरथ मांझी होता है, उसके गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं था और रास्ते के उस गांव के लोग रास्ते गांव के लिए बीच में एक ये पहाड़ आता था और पहाड़ जो है उसके गांव में पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। गांव और उस उनके पास में गांव के दूसरी तरफ नदी बहती थी, लेकिन वो नदी पहाड़ बीच में पहाड़ होने के कारण वो जो है गांव के लोग उस नदी तक जाने के लिए 2-3 किलोमीटर की यात्रा करते थे, पैदल ही जाया करते थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं यह पानी हमारे गांव में कैसे आ सकता है, लेकिन
क्योंकि पहाड़ बीच में उस पानी के लिए बाधा थी। तो दशरथ माझी नाम के एक व्यक्ति ने सोचा कि किसी भी तरह ये पानी जो है हमारे गांव में आ जाए। तो उन्होंने इस विचार को अपने गांव के पंचायत में रखा, गांव वालों से कहा, लेकिन कोई भी गांव वाला, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ था, उसको तोड़ने के में हिम्मत किसी की नहीं हुई और किसी ने भी उसका जो है साथ नहीं दिया। लेकिन दशरथ माझी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, दृढ़ विश्वास कर लिया था कि मैं इस पानी को अपने गांव में लेके आऊँगा और पहाड़ के अंदर से मैं जो है सुरंग बना करके मैं जो है इस काम को अवश्य करूँगा, चाहे मेरा साथ कोई दे या ना दे। भैया बहनों, इस प्रकार से उसने अकेले में ही हिम्मत से काम लिया, लगा रहा प्रतिदिन 10-15 दिन हो गए, काफ़ी कुछ उसने जो है कार्य को कर लिया था। उसको देख करके अन्य लोगों ने भी सोचा कि आखिर में यह अपने लिए ही थोड़ी क्या कर रहा है, अरे इसमें तो सभी गांव वालों का भी भला है, सभी गांव के हैं, हमारे गांव में जो कि पानी आ जाएगा, हम सिंचाई करेंगे, भरपूर पानी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के उन गांव वालों ने भी धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी आते गए और उन्होंने उस माझी के जो कार्य में सहायता की। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस पहाड़ में से माझी ने जो है सुरंग बना करके अपने गांव के लिए जो है अच्छा पानी पहुंचा दिया। इसी में ये थी माझी की दृढ़ इच्छा शक्ति। भैया बहनों, जो हम इच्छा शक्ति के पूरी इच्छा शक्ति के साथ जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।